हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस्ड अकाउंटिंग में हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सरेंडर ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स के शेयर्स सब डिवाइड करते हैं टू अ स्मॉल डिनोमिनेशन। उसके बाद सर्टन शेयर्स आर सरेंडर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, हम उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम होता है शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। उस शेयर सरेंडर्ड अकाउंट में से हम डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को कुछ शेयर इशू कर देते हैं इन द सेटलमेंट ऑफ देयर फुल क्लेम्स और पार्शियल क्लेम्स, वो हम उनको नए शेयर इशू कर देते हैं शेयर सरेंडर में से। शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके हम दोबारा से इक्विटी शेयर रेज कर देते हैं, दोबारा से हम इक्विटी शेयर क्रिएट कर लेते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। जो शेयर सरेंडर हम इशू नहीं करते वो हम सारे के सारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितने डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स का क्लेम हम सेटल करते हैं, जितने चाहे थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर या अदरवाइज वो सेक्रीफाइस करते हैं, उसे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन में फिर लास्ट में हम उसी तरीके से एसेट्स राइट ऑफ कर देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, डेफिशिएंसी अकाउंट, ये सब राइट ऑफ कर देते हैं। जो पैसा बच जाता है कैपिटल रिडक्शन में वो सीआर में ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। बुक्स में नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं सरेंडर के, तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट इनकम्प्लीट सी दी हुई है। चलो, इक्विटी शेयर है 20,000 शेयर्स है ऑफ 100 ईच, टोटल शेयर कैपिटल मेरी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख की है, 20 लाख, यहां लिख लेते हैं 20 लाख की शेयर कैपिटल है। 6% डिबेंचर्स है हमारे पास 10 लाख के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 120, मतलब टोटल 11,20,000 का क्लेम है डिबेंचर होल्डर्स का। एसेट्स की वैल्यू नहीं दी, चलो हम बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स लिख देते हैं, 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,20,000, 31,20,000 हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं सारे। पता लगा ये कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स, मैंने अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली, 31,20,000 के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, ये मेरे बैलेंसिंग फिगर है। अब वो कहता सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को सब डिवाइड करो टू अ शेयर ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। हमने 100-100 रुपए वाला इक्विटी शेयर 5-5 रुपए का कर दिया, सब डिवाइड किया, फोरगो नहीं किया उन्होंने, तो हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, 20 लाख हमने 4 लाख शेयर कर दिए ऑफ 5 ईच, टोटल अमाउंट सेम है, तो 20,000 शेयर 100-100 रुपीस के थे, 20 लाख थे, डिवाइड बाय 5 करके मैंने 4 लाख शेयर्स ऑफ 5 ईच कर दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 90% शेयर्स सरेंडर कर दिए, उसकी एंट्री करें, मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, 18 लाख रुपए के शेयर उन्होंने सरेंडर कर दिए 90%, 20 लाख का 90% सरेंडर कर दिया, 2 लाख के शेयर कैपिटल अभी भी कंपनी में है। अब जो डिबेंचर होल्डर्स का टोटल क्लेम था कितना था? 11,20,000 का क्लेम था, इसको ध्यान से देख रहा है। इसमें से कहता 490 का क्लेम रह गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया, बाकी कितना रह गया? 11,20,000 में से 490 का क्लेम पोस्टपोन कर दिया, 630 का क्लेम जिसमें से 120 का इंटरेस्ट है और बाकी डिबेंचर्स की वैल्यू है, उसे उन्होंने सेटल कर दिया।
क्या किया दोबारा से देखिए, टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जिसके अंदर डिबेंचर्स की वैल्यू 10 लाख है और 1,20,000 इंटरेस्ट है, वो क्लेम सिर्फ 490 का छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया, बाकी 630 का सेटल कर दिया। कैसे? सिर्फ 2,50,000 के इक्विटी शेयर सरेंडर शेयर में से इशू करके। तो एंट्री करें शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ 2.5 लाख के शेयर इनको इशू किए हैं, किसके व्यू में, जितनी लायबिलिटी इन्होंने सरेंडर की थी। बाकी जो 18 लाख में से 15,50,000 के शेयर रह गए वो कैंसल कर दिए। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन 15,50,000। फिर जितनों की लायबिलिटी सेटल हुई है, मैंने बताया था जो पोस्ट में हुई वो नहीं, जो सेटल हुई है उसको भी सीआर में ट्रांसफर कर दिया। कैंट्री की यहां कर रहा हूं, सिक्स % डिबेंचर्स और इंटरेस्ट टू सीआर में 510 की डिबेंचर, 120 का इंटरेस्ट, 630 की सेटलमेंट हुई है, ये भी सीआर में डाल दिया। अब जितना सीआर का बैलेंस है, मैं यहां कर रहा हूं ऊपर, सीआर के बैलेंस से एक तो एसेट्स की वैल्यू राइट ऑफ कर दी, बाकी बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी सी एंट्री में दोबारा से यहां लिख रहा हूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू राइट ऑफ कर दी और बाकी पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एसेट की कितनी वैल्यू राइट ऑफ की है, उसने कहा एसेट की वैल्यू 960 रह गई, रिड्यूस्ड टू थी कितनी, 31,20,000 माइनस 960, मतलब 21,60,000 हमने एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर दी है। है कितना सीआर में बैलेंस चेक कर ले, सीआर में मेरे पास 15,50,000 एक है, 630 एक है, 21,80,000 था मेरे पास, 20,000 रह गया, उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बड़ा सिंपल है। तो पहले सब डिवाइड कर दिया, सेम एंट्री, फिर कुछ शेयर सरेंडर कर दिए, वो कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दिया, शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर दोबारा इशू कर दिए, जिसको इशू किया उसका नाम नहीं आएगा, वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। फिर शेयर सरेंडर जो नहीं किसी को इशू किए वो कैंसिल करके सीआर में डाल दिया। फिर जितनी लायबिलिटी हमने सेटल की है थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स और थ्रू सेक्रीफाइस, वो सारी की सारी भी सीआर में डाल दी। यहां गलती होती है सबसे ज्यादा, जो सेटलमेंट हुई है चाहे उनके व्यू में हमने शेयर भी इशू कर दिए, जितना सेटल हुआ है सारा सीआर में जाएगा। लास्ट में हमने सीआर के बैलेंस में से एसेट्स राइट ऑफ कर दिए और जो बाकी का बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर।